हेलो फ्रेंड्स, घटनाचक्र जीएस पॉइंटर में फिर से आप लोगों को स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी 1939 में किया था। INA जिसके दिमाग के ऊपर थी वो किनका था? तो मोहन सिंह का था। और INA एक मानसिक पुत्र था ज्ञाने प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा का। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई थी। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को किया था। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ पे? तत्कालिक मलाया में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की भी स्थापना किया था। और रविंद्र टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहकर संबोधित किया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आजाद हिंद फौज दिवस जो मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 7 वर्ष का कारावास का जो दंड दिया गया था वो राशिद अली द्वारा दिया गया था। गुरु दयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह शाहनवाज में से आजाद हिंद फौज का वो अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था वो थे मोहन सिंह। 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की जो अध्यक्षता किए थे वो भुलाभाई देसाई ने किया था। और 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भुलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैलाश नाथकार्जू में से जिसने नहीं किया था वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में जो सफल हुए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946। तो पहला देख लेते हैं इसके तहत कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर पी लॉरेंस द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में भारत जो आया था वो कैबिनेट मिशन आया था और भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन ने ही किया था। इसके बाद 1946 को कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी। इनमें से एक सदस्य जो नहीं थे वो थे लॉर्ड एमरी। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी जो है भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण जो है ये किसका है? तो कैबिनेट मिशन से है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से जो सही नहीं है वह पाकिस्तान की स्वीकृति। वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाते थे वो है कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में ये बात सही है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। नेक्स्ट है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था वो थे महात्मा गांधी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी वो थे अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा 1946। तो देख लेते हैं, देखिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था वो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में जो था वो 10 लाख प्रति व्यक्ति थे, यानी 10 लाख पे एक जो है प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इस अनुपात में व्यवस्थित किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये तो सही है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सब जो थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, तो देखिए ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है
भारतीय मतलब भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, यह भी गलत है। और भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, इनमें से भी ये जो है सही नहीं है, तो केवल एक सही है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो जुड़े थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद का जो पद संभाला था वो कौन थे, तो जीवी मावलंकर ने ये पद संभाला था। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था खाद और कृषि विभाग। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का जो कार्य देखते थे वो आसफ अली देखते थे, और 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया था वो विभाग था वित्त विभाग। जवाहरलाल नेहरू बलदेव सिंह अली सॉरी जवाहरलाल नेहरू बलदेव सिंह अली जहीर तथा बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के जो सदस्य नहीं थे वो थे बी आर अम्बेडकर, यानी बाबा देव जो अम्बेडकर थे ये नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर इसका सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू लियाकत अली खां अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री जो नहीं थे वो थे अबुल कलाम आजाद। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार जो बनाई थी कहाँ बनाई थी, बंगाल में, और मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के लिए जो तिथि सुनिश्चित की थी वो था 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूके के जिस पार्टी का सत्ता था वो पार्टी था लेबर पार्टी, और भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था क्लिमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की जो घोषणा की थी वो कब की थी, तो फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे यथा संभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। नेक्स्ट हमारा है भारतीय स्वतंत्रता का आधार जो बना था वो था माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना जो आधार बना था वो देश का विभाजन का भी आधार बना था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर जो घोषणा हुई थी वो 3 जून 1947 को हुई थी। देखिए नेक्स्ट दो स्टेटमेंट है, कथन ए और कारणार्थ। तो कथन ए में कह रहे हैं अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, और कारण आर कह रहा है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में जो थे निर्बल हो चुके थे। तो देखिए ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही स्पष्ट यानी सही जो है व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है कि कथन ए में कह रहा है स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश की प्रभुता बनी रही, और कारण आर कह रहा है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन का प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। तो पहला तो गलत हो जाता है लेकिन दूसरा सही है। भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो प्राप्त हुई थी उस डेट था 18 जुलाई 1947। भारत के विभाजन का बालकन प्लान जो उपज था वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से जो सहमत हुआ था वो इसलिए कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ठीक है, यानी दंगे होने से बचना चाहते थे। कथन ए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, और कारण आर कह रहा है यह जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानता था। तो ए सही है और आर गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी ने माउंटबेटन योजना को सुझाया था कि वे जीना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, ये बात कहा था। रेडक्लिफ समिति जो नियुक्त की गई थी वो भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, तो रेडक्लिफ ने किया था। और भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो समाप्त हो गया था वो कब, कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी और अबुल कलाम आजाद में से विभाजन के प्रस्ताव का जो समर्थक किया था वो था कौन थे, अबुल कलाम आजाद ने किया था। 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था, किसने, डॉक्टर किचलू ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे कौन थे, तो जेपी कृपलानी ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने किया था, तो खान अब्दुल गफार खान ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता जो ग्रहण किया था कौन था, तो संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन
एम एस सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने किया था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो राजगोपालचारी ही थे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी और भारत का अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। और बिल्कुल आरंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का जो सही क्रम है वो कौन कौन से हैं? तो पहले राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, इसके बाद बीबी गिरी का स्थान आता है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेपी कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी और सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने किया था, और अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे वो महात्मा गांधी थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन है आर कोपलैंड का। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो था वो भारत का एकीकरण था, किसने कहा था? तो के एम पड़ीकर ने कहा था। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास, तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान जो किया गया था किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में किया गया था, और भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का जो अधिकार मिला था वो 1786 ईस्वी का एक्ट के तहत मिला था। अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार किसके तहत दिया गया था? तो 1786 के एक्ट के तहत। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसके न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? कारण यह था कि लॉर्ड कार्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गए थे और महसूस करते थे कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। नेक्स्ट है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 में। और नेक्स्ट में है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण था, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधारियों के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना और गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक नहीं था, वो ये था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, तो ये नहीं था। नेक्स्ट है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की जो संतुति की गई थी वो किसके द्वारा? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में, और पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन जो हुआ था वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, कब? 1922 में। नेक्स्ट है कि आपको सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेल करना है। देखिए सामने सामने जो है स्टेटमेंट सही है। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो किया गया था पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया था, और नियामक अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट भी आपको मिलान करना है, तो सूची 1 सूची 2 दिया गया, एक तरफ भारत की उपनिवेशी है और दूसरे तरफ सरकार के अधिनियम प्रावधान। तो चार्टर एक्ट 1813 में जो है प्रावधान था कि भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो प्रावधान था कि कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित
सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 में जो अधिनियम मतलब इसमें जो प्रावधान था कि शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाए, और पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो प्रावधान था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना था। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी वो अधिनियम कौन सा था, तो पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, किसके तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया था, ये सही है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी वो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके जो है प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया था, किसके तहत, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 में की थी, और भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट लागू किए गए थे वो था कौन कौन, 1835, 1868, 1878 और 1908, ये था भारत में मीडिया को नियंत्रित करने का एक्ट। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1861 में किया गया था, और भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक जो चला था वो था 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जो जाना जाता है वो मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी क्या, 1919 में की गई थी, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था, संवैधानिक सुधार थे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, क्या क्या था, इसने यही परिभाषित किया था कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को जो है सुनिश्चित किया था, और द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला जो एक्ट आया था वो 1919 में आया था। नेक्स्ट है कि कह रहा कि यह अधिनियम माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ था, तथा मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में जो असत्य कथन है वो कौन सा है, वह असत्य यह है कि यह अधिनियम माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कथन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ मतलब के शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय रही, और कारण आर कह सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो देखिये ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट में भी वही है कथन और कारण दिया गया, तो कथन ए में कह रहा है द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषय का दो वर्गों में विभाजन था, और कारण आर है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन जो है कराने का प्रयत्न किया गया था। तो इसमें देखिए ए और आर सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित है, किस पे, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जो विशेषता थी वो क्या थी, तो इसकी विशेषता गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, क्या किया था, तो प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक महत्वपूर्ण था, किसके रूप में, तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्य में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं है, वो क्या है, केंद्र में साथ ही साथ राज्य में द्वैध शासन। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली जो मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, तो इनकी अंग्रेजों की मतलब जो असली मंशा थी वो यही थी।
1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह किसने बात कही थी? तो जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने बात कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह बात कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है सुमेलित कन है, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो मिलान है इसमें क्या सही है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसमें किया गया था इस एक्ट के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत संप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन का आरंभ हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान किया गया था। देखिए नेक्स्ट है आधुनिक इतिहास का जो विविध है, तो इसमें डिस्कशन जो है कल किया जाएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। देखिए आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और कोई भी सुझाव कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।